आप जरूर प्रयास करिएगा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सो so दैट आपको आइडिया लगे कि एग्जाम्स में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और साथ साथ आपका रिवीजन भी अच्छे से होता रहे विद दिस चलिए शुरुआत करते हैं 24 दिसंबर, यानी कि ट्वेंटी दिसंबर की के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की The very first fact of this day happened in the year 1924 when very famous Indian film playback singer Mohammad Rafi was born. यह एक भारतीय फिल्म प्लेबैक गायक थे जिन्होंने भारतीय सबकॉन्टिनेंट के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली गायकों में अपना नाम दर्ज किया इनको इनकी आवाज़ की वर्सिटैलिटी के लिए याद किया जाता है क्योंकि ना सिर्फ फास्ट सॉन्ग्स बल्कि देश प्रेम के गाने सैड सॉन्ग्स रोमांटिक सॉन्ग्स कवाली गज़ल्स भजन से लेके क्लासिकल सॉन्ग्स तक भी ये बहुत ही बखूबी गाते थे अपने समय के सभी यादगार म्यूज़िक डायरेक्टर्स और कंपोजर्स के साथ इन्होंने काम किया था जैसे कि नौशाद एस डी बर्मन ओ पी नैयर शंकर जयकिशन और मदन मोहन कला और योगदानों के लिए इनको चार फिल्म फेयर अवार्ड एक नेशनल फिल्म अवार्ड और वर्ष 1967 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन 2013 थाउजेंड 2016 में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 10 को मेमोरेटिव स्टैंप रिलीज किए थे टू ऑनर मोस्ट लिजेंडरी सिंगर्स ऑफ इंडिया और इसमें से मोहम्मद रफी जी का भी नाम जरूर था मोहम्मद रफी एकेडमी एक ऐसा म्यूजिक स्कूल जो छात्रों को सिंगिंग और क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग देने के लिए प्रसिद्ध है वो भारत के मुंबई शहर में स्थित है और इसकी स्थापना 2010 में करी गई थी बात अब अगर हो रही है भारत के महान गायकों की लिजेंडरी सिंगर्स की तो ये भी हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि द फर्स्ट सिंगर टू रिसीव भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वॉज एम एस सुबुलक्ष्मी और इसके अन्य कई और ऐसे फेमस इंडियन सिंगर्स हैं जिनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है जैसे कि लता मंगेशकर पंडित भीमसेन जोशी रविशंकर और असम के फेमस सिंगर भूपेन हजारिका विद चल के देखते हैं कौन सा अगला आज फैक्ट हमारे पास है और यह हुआ था वर्ष 1973 में जब पेरियार ई वी रामासमी लीडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एंड द्रविडर कजगम पास अवे वेंकटप्पा रामसामी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में 1897 वर्ष में हुआ था ही लेटर केम टू बी कॉल्ड पेरियार जिसका तमिल में अर्थ है रिस्पेक्टेड वन और एल्डर। इनको पॉपुलरली पेरियार के नाम से जाना जाता था यह एक सम्मानित भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता तो थे ही और इन्होंने स्वसम्मान आंदोलन और राजनीतिक पार्टी द्रविड कजगम की शुरुआत भी की थी इन्हें आधुनिक तमिलनाडु के जनक के रूप में भी अक्सर बुलाया जाता है राष्ट्र कांग्रेस यानी कि आईएनसी में शामिल हो गए थे लेकिन 1925 में इन्होंने इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि इन्होंने महसूस किया कि पार्टी द्वारा समाज के कुछ कुलीन वर्गों के हितों को ही पूरा किया जा रहा है In 1924 Periyar participated in a non-violent satyagraha in Vaikom in Kerala. In 1939 E.V. Ramasamy became the head of the Justice Party and changed its name later to Dravidar Kazhagam in 1944. The party later once again split into different groups and one was led by C.N. Annadurai which formed the Dravida Munnetra Kazhagam in 1949 जिसको कि हम ज्यादातर डीएमके के नाम से भी जानते हैं रामासामी एडवोकेटेड अ सेपरेट इंडिपेंडेंट लैंड ऑफ द्रविडन्स द्रविड नाडू वाइल कंटिन्यूइंग हिज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट अब अगर बात की जाए व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट तो इट इज अ साउथ एशियन मूवमेंट विद द एम ऑफ अचीविंग अ सोसाइटी वेयर बैकवर्ड कास्ट हैव इक्वल ह्यूमन राइट्स लाइक द अपर कास्ट्स इसकी स्थापना वर्ष 1925 में एस रामनाथन के द्वारा की गई थी जिन्होंने बाद में ई वी रामसामी को ब्राह्मणवाद के खिलाफ भारत के तमिलनाडु में आंदोलन का लीडरशिप करने के लिए आमंत्रित भी किया था विद दिस अब चल के देखते हैं कौन सा अगला आज फैक्ट है हमारे पास एंड दिस है ईयर नाइनटीन एटी 1987 When the former chief minister of Tamil Nadu M G Ramachandran popularly known as M G R passed away एम जी रामचंद्रन जिनको लोकप्रिय रूप से MGR भी बुलाया जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और फिल्म अभिनेता थे जिन्होंने 1977 और 1987 के बीच 10 वर्षों तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था इनका जन्म कैंडी में हुआ था जो कि श्रीलंका में एक मशहूर जगह है और रामचंद्रन मेड फिल्म डेब्यू इनटीन थर्टी सिक्स साथी लीलावती इट वाज़ डायरेक्टेड बाय एन अमेरिकन बॉर्न फिल्म डायरेक्टर नोन एज एल एस आर गया था फॉर बेस्ट एक्टर फॉर 1972 1953 तक एमजीआर कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे वर्ष 1953 में एमजीआर ने डीएमके ज्वाइन कर ली थी इनको द्रविड प्रोग्रेसिव फेडरेशन के संस्थापक सी एन अनुदुर ने पार्टी ज्वाइन करने का न्योता दिया था वह एक सक्सेसफुल तमिल और द्रविड राष्ट्रवादी और डीएमके के प्रमुख सदस्य बन गए डीएमके के साथ कुछ पॉलिटिकल अग्रीमेंट्स के पश्चात एमजीआर ने एक नई पार्टी फाउंड की जिसका नाम था अन्ना द्रविडा मुनेत्र कजहगम यानी कि ए लेकिन बाद में इसका नाम बदल के रख दिया गया था एज ऑल इंडिया अन्ना द्रविडा मुनेत्र कजहगम जिसको कि आज हम ए आई के नाम से जानते हैं जो कि तमिलनाडु की एक मशहूर और जाने माने राजनीतिक पार्टी है Once he became the chief minister of Tamil Nadu he gave great emphasis on social development especially education इनके द्वारा सबसे सक्सेसफुल पॉलिसियों में से एक है इलेबरेशन ऑफ द मिड डे मील स्कीम जिसको कि पॉपुलर कांग्रेस चीफ मिनिस्टर एंड किंग मेकर के कामराज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर इनकरेजिंग अंडर प्रिवलेज चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल वर्ष 1987 में इनकी मृत्यु के बाद वह सी राजगोपालाचारी और के कामराज के बाद भारत रत्न प्राप्त करने वाले तमिलनाडु राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री बने और वर्ष नाइनटीन में इनको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था इनके जन्मदिन को कोमेमोरेट करने के लिए एमजीआर की बर्थ सेंटेनरी पर वर्ष 2017 तो में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए सौ रुपए और पांच रुपए के कॉइन्स दैट वुड बेयर हिज इमेज एंड हिज पोर्ट्रेट एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स हिम विद अब चल के देखते हैं कौन सा अगला आज फैक्ट है हमारा और ये हुआ था वर्ष 2014 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अनाउंस्ड द ियन ऑनर भारत रत्न विल बी कन्फर्ड ऑन इंडिया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड फ्रीडम फाइटर मदन मोहन मालविया चौबीस दिसंबर दो हजार चौदह को केंद्र सरकार ने फॉर्मर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय को पॉस्टूमसली भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मान करने की घोषणा करी थी विद दिस अटल बिहारी वाजपेयी बिकम्स द सेवेंथ प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव

अब अगर बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी जी की तो इन्होंने तीन टर्म सर्व किए हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहला टर्म था खाली तेरह दिन का इन 1996, दूसरा टर्म था तेरह महीनों का इन 1998, एंड फाइनली बाय अ फुल टर्म फ्रॉम 1999 टू 2004। इनके जन्म दिवस को जो कि 25 दिसंबर को जी हाँ क्रिसमस के दिन पड़ता है इसको भारत में गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है यानी कि शासन दिवस ट्वेंटी फिफ्थ नोवर एज द गुड गवर्नेंस डे वॉज डिक्लेर इन दर टू थाउजेंड फोर्टीन विद अब चल के देखते हैं दोस्तों कौन सा अगला फैक्ट है आज हमारे पास और ये होता है हर वर्ष चौबीस दिसंबर के ही दिन यानी कि आज के दिन वेन नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड विद अ स्पेसिफिक थीम फॉर ईच ईयर इन इंडिया एवरी ईयर 24 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एज नेशनल कंज्यूमर डे विद अ स्पेसिफिक थीम लेकिन इस दिन का क्या महत्व है तो इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी इस अधिनियम के इनैक्टमेंट को देश में उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन माना जाता है इस एक्ट का उद्देश्य था टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद इफेक्टिव सेफगार्ड अगेंस्ट डिफरेंट टाइप Of exploitation, such as defective goods, deficiency in services, and unfair trade practices. The new Consumer Protection Act was passed by the Parliament in 2019 and this had replaced the Consumer Protection Act, which was passed earlier in 1986. This act mahatvapurn provisions. Hai. Ki the new act has widened the definition of consumer.

इस एक्ट के अंतर्गत उपभोक्ताओं को ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेन करने की भी फ्लेक्सिबिलिटी उपलब्ध कराई गई है ऑल टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ बायर्स और कंज्यूमर्स हर वर्ष इस दिन की एक नई थीम होती है जैसा कि हमने बात की थी तो वर्ष 2019 में इस दिन की थीम थी ऑल्टरनेट कंज्यूमर ग्रीवियंस डिस्प्यूट रिड्रेस लेकिन अगर बात करी जाए 2020 के थीम की यानी कि इस वर्ष की क्या थीम है तो ये है द सस्टेनेबल कंज्यूमर अब अगर इस संदर्भ में ये भी जान लेना चाहिए कि वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे कब होता है यानी कि विश्व कंज्यूमर राइट्स डे तो ये होता है ग्लोबली ऑन मार्च 15th। इस दिनांक को भी आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आपसे इनमें से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है सो प्लीज़ रिमेंबर द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हैपेंस ऑन फिफ्टींथ मार्च और इस दिन को पहली बार मनाया गया था इन द ईयर नाइनटीन विथ ऑल दीज इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड इवेंट्स अब चल के देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आज हमारे पास है सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हिर्स एस इन विच ईयर वॉज द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट फाउंड किस वर्ष शुरू किया गया था आत्मसम्मान आंदोलन? या कहता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे किस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है इज इट मार्च फोर्टीन और इज इट मार्च फिफ्टीन ऑप्शन सी है मार्च 18 या फिर आखिरी ऑप्शन है मार्च 24. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सेलिब्रेट डे यानी कि अब बात हो रही है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की तो ये किस दिन मनाया जाता है 25 दिसंबर 24 दिसंबर तेईस दिसंबर या फिर बाईस दिसंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल कंज्यूमर डे 2020 यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2020 का क्या है थीम ऑप्शंस है A sustainable consumer. B alternate consumer grievance. C making digital marketplaces fairer ya pir, D e-commerce.

of you for being a part of today's session with us.